अभी तो कुछ ही दिन हुए लेकिन जयशंकर की बात बिल्कुल सही सामने आ गई। तो वहीं पीओके को लेकर जयशंकर की कही गई बात आजकल बहुत चर्चा में क्यों आ रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया, जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच बहाने को लेकर पश्चिमी देश अलग ही खेल खेल रहे हैं। अमेरिका हो या यूके हो या फिर यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय यूनियन के कई देश भारत से मुंह बनाए रखते हैं और ऐसा दिखलाते हैं कि भारत तो रूस के साथ बिल्कुल सीधे सीधे खड़ा है। कभी कभी इशारों में वो भारत को समझाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी सीधे सीधे चेतावनी भी दे देते हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार दलीप सिंह ने कहा था कि चीन ने कभी भारत पे अगर अतिक्रमण किया तो रूस उसके बचाव के लिए खड़ा नहीं होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीछे नहीं रहे हैं, उन्होंने भी भारत को लेकर टिप्पणी किया है कि भारत को लेकर पश्चिमी देशों का ये रवैया आज का नहीं है। करीब ढाई दशक पहले भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तब भी पश्चिमी देश खुलकर भारत के खिलाफ हो गए थे। 1998 में एक नौजवान भारतीय डिप्लोमेट था जिसने अमेरिकी कांग्रेस को दो टूक समझाया था भारत का स्टैंड। 1998 का वो दौर जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब भारत के ऊपर दबाव बढ़ रहा था, पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बातें हो रही थी। तब अमेरिका में भारत का एक राजदूत था और आज भी वो राजदूत अमेरिका में ही है और माहौल को संभाल रहा था, आज भी संभाल रहा है, और उसका नाम है तरनजीत सिंह संधू। संधू ने 1998 में जो किया उसे डिप्लोमेसी में एक मिसाल माना जाता है। उनके सीनियर और अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कुछ वैसे ही मोड में साफ साफ दिखते हैं। दोनों को माना जाता है कि सीधे और सपाट लहजे में भारत का पक्ष रखना। गुरुवार को जहां विदेश मंत्री ने अपने सामने बैठे यूरोपीय देशों को बैठे बैठे ही भारत विरोधी अभियान चलाने वाले को लताड़ लगा दिया, तो वहीं 1998 की गर्मी का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था जब भारतीय डिप्लोमेसी में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, दुनिया भर में भारत को अलग थलग किया जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे रूस को किया जा रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत के पीछे पड़े थे, आज भी कुछ वैसे ही हालात हैं। तब और अब के वक्त में कुछ बातें कॉमन है और तब भी था भारत अमेरिका तरनजीत संधु और आज भी है। 1998 में इंडियन फॉरेन सर्विस के नए नए सदस्य बने थे संधु, जो अभी वाशिंगटन के एम्बेसी में काउंसलर। उस वक्त नरेश चंद्रा हुआ करते थे अमेरिका में भारतीय राजदूत और बिल क्लिंटन भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाना चाहता था। फिर भी संधु ने हार नहीं मानी और चंद्रा को इस बात के लिए मनाया कि अमेरिकी कांग्रेस से बात करें। चंद्रा ने सलाह ली और संधू के साथ मिलकर कई कांग्रेस सदस्यों और सीनेटर से मिले। संधू अमेरिकी कांग्रेस के हॉल में इतना चले थे कि कहा जाता था कि जूते घिस गए। परमाणु परीक्षण करने के भारतीय मजबूरी को आखिरकार अमेरिका को समझाया गया। नरेश चंद्रा मजाकिया लहजे में कहते थे कि 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट में उनके जूतों की कुर्बानी हो गई है, इसे उन्हें सू अलाउंस जरूर मिलना चाहिए, लेकिन संधू के लिए कहते थे कि उनके लिए तो अलाउंस दुगना करो। अभी संधू अमेरिका में भारत के खिलाफ माहौल को शांत करने में लगे हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। पिछले एक महीने में कई ऐसे मौके आए हैं जब जयशंकर ने भारत का स्टैंड साफ किया है और उसको जस्टिफाई किया है। जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप अभी भी रूस का तेल का प्रमुख खरीदार है और कीमतें बढ़ने पर देश अगर अच्छे सौदे ढूंढते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे आपको बता दें, इन सब के बीच उन्होंने ये कहा था कि 2-3 महीने रुक जाइए, रूसी तेल और गैस का कौन सबसे बड़ा खरीदार है वो आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है लिस्ट में पहले से ज्यादा अलग कुछ नहीं होगा। टॉप 10 देश में हम नहीं आएंगे बल्कि आप लोग ही आएंगे। और जयशंकर ने ये बात यूके के विदेश मंत्री लिज ट्रूस के मौजूदगी में कहा था। अब
ये हाल हो गया था कि लीज को ये कहना पड़ा था कि भारत तो एक संप्रभु देश है, इसे मैं क्या सिखाऊंगी। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ये बता रहा है कि देखो भारत को किस तरीके से साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। भारत अगर खुलकर नहीं बोलता और भारतीय विदेश मंत्री खुलकर इन बातों को नहीं रखते तो आज भारत फंस चुका होता। क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ये कह रहे हैं कि 73 बिलियन डॉलर के रूसी तेल बेचे गए हैं और रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जर्मनी है नंबर 1 पर, उसके बाद है इटली, उसके बाद है चीन, नीदरलैंड, तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, साउथ कोरिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, चेक रिपब्लिक, जापान, बुल्गारिया, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद इजिप्ट और उसके बाद है भारत। यानी भारत से ज्यादा खरीदा अमेरिका ने और इन सबसे ज्यादा तो बाकी के सारे देश खरीद रहे हैं, कोयला, गैस, क्रूड ऑयल, हर चीज खरीद रहे हैं। ये जो लिस्ट आप देख सकते हैं, इस लिस्ट के बाद क्या समझ में आया, यही समझ में आया कि अमेरिका खुद तो तेल खरीद रहा है बड़ी मात्रा में और भारत को तेल खरीदने से मना कर रहा है, यूरोप खुद तो तेल खरीद रहा है भारत को तेल खरीदने से मना कर रहा है। यानी उन्हें पूरी दुनिया को दिखलाने के लिए एक देश भारत मिला था जिसके ऊपर ये दबाव बना रहे थे, दुनिया को ये दिखलाने की कोशिश कर रहे थे कि यही एक देश है जिसकी वजह से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। स्क्रीन तौर पर दिखाया गया है कि अमेरिका ने भारत से ज्यादा तेल और गैस खरीदे हैं रूस से, जो साफ साफ अमेरिका की दोगली नीति को दिखला रहा है। खैर, जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने यहां भारतीय विदेश नीति से सारी चीजों को राफ साफ कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर भी उनसे किया गया सवाल। दरअसल ये सवाल काफी पहले किया गया था लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि आजकल जयशंकर साहब बहुत ज्यादा चर्चा में है और डॉक्टर जयशंकर का नो नॉनसेंस वाला एटीट्यूड लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर से जब सवाल किया गया कि आर्टिकल 370 हट गया है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई तो दोनों सवालों का उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अब तो पाकिस्तान अल्पसंख्यकों की संख्या भी बताना छोड़ चुका है। जिस 70 साल में ड्रामेटिक तरीके से गिरा है संख्या, उसको लेकर अब पाकिस्तान बोलने की स्थिति में नहीं है। अपने देश में वो अल्पसंख्यकों पर क्या करता है वो नहीं देखता है, उसे दूसरे देशों की दिखती है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है हिंदू और सिख के जिनके साथ वहाँ पे दुर्व्यवहार होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया पत्रकार के सवाल का। पत्रकार का सवाल था कि क्या पीओके को लेकर जो गृह मंत्री ने कहा है और कई भारतीय नेता कह रहे हैं कि पीओके हमारा है और इसे क्लियर कर देना चाहिए, पाकिस्तान को आपकी इस मामले में क्या राय है। अब इसे साफ करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये कहा कि हमारा स्टैंड आज भी वैसा ही है और आज भी हम पीओके को लेकर ऐसा ही सोचते हैं। अब इस चीज साफ हो जाता है कि भारत कोई लुका छिपी का खेल पीओके के मामले में नहीं खेल रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।